नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। स्वागत है आपका सीएम इंडिया टीवी में। आइए रुक करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पिछले साल नियंत्रण रेखा पर पार किए गए सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लेने वाले सैन्य अधिकारियों को शौर्य चक्र से नवाजा। साथ ही उन्होंने पठानकोट में आतंकवादियों के शवों से आईईडी बरामद करते समय शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने 4 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। बता दें कि 7 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत पहुंची हसीना की अगवानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो दल और अवैध बूचड़खानों को लेकर सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई से इनकार करते हुए कहा कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उन्होंने घबराने की जरूरत नहीं है, पर जो कानून से खिलवाड़ करते हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत है। हमारे रिपोर्टर विक्रांत राय के मुताबिक आरा में सांसद आरके सिंह ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के 119 किलोमीटर पर 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य शिलान्यास किया। भोजपुर में प्रिंस सिंह बजरंगी को जदयू युवा जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। बता दें कि लगभग 4 सालों तक छात्र समागम का जिला अध्यक्ष के पद पर कार्य करने वाले प्रिंस को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने युवा जदयू का कार्यभार सौंपा। भोजपुर में प्रिंस सिंह बजरंगी को जदयू युवा जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। बता दें कि लगभग 4 सालों तक छात्र समागम के जिलाध्यक्ष के पद पर कार्य करने वाले प्रिंस को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने युवा जदयू का कार्यभार सौंपा। हमारे रिपोर्टर विक्रांत राय के मुताबिक जन अधिकार पार्टी ने जिलाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। बता दें कि ये कैंडल मार्च 27 मार्च को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक पप्पू यादव और हजारों कार्यकर्ताओं पर पटना पुलिस के लाठीचार्ज करने के विरोध में निकाला गया। भोजपुर में सरकार के दवा की दुकानों पर फार्मासिस्ट को अनिवार्य करने के विरोध में प्रदेश केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। वहीं शाहपुर केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मंटू दुबे ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत वाला कानून और अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो 12 अप्रैल को बिहार की सारी दुकानें बंद कर दी जाएगी और आम जनता की परेशानी की जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। भोजपुर में वार्ड पार्षद अमरेंद्र चौबे ने गोडना रोड में भव्य सम्मान समारोह और निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इसी दौरान बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुबान के पक्के हैं और मैं उनका कर्जदार हूँ। वहीं उनका ये भाषण सुनने के बाद समारोह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शुंगलो रिपोर्ट पर मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विरोधी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि हर चुनाव से पहले मुझसे जुड़ी चीजें, यहां तक कि स्वेटर और चप्पल पर भी बारीकी से ध्यान दिया जाता है, जबकि भाजपा को लेकर ऐसा कुछ नहीं होता। साथ ही कहा कि क्या विरोधी दलों को MCD में करप्शन नहीं दिखता। बीजेपी के 37वें स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत मंच से ऐसी बात बोल गए जिससे सुनकर सभी हैरान रह गए। बता दें कि पहले तो त्रिवेंद्र ने अपने संबोधन में उत्तराखंड को उत्तराचल कह डाला, तो वहीं उसके तुरंत बाद उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को राज्य का मुख्यमंत्री बता दिया। अमेरिका की ओर से सीरिया पर रासायनिक हमले के जवाब में 60 से अधिक दागे गए क्रूज मिसाइल को लेकर दुनिया भर के देशों से समर्थन और विरोध में प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। बता दें कि रूस ने इस हमले का विरोध किया है, तो वहीं इसराइल ने इसका समर्थन किया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी ने कहा कि अगर उनकी टीम को महिला हॉकी विश्व लीग राउंड में बेलारूस के खिलाफ सेमीफाइनल मैच जीतना है तो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलना होगा। बता दें कि भारतीय टीम पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में तो सफल रही है, लेकिन वो उन्हें कभी गोल में तब्दील नहीं कर पाई। मौजूदा IPL में भाग ले रहे 2 अफगानिस्तानी खिलाड़ियों में से एक मोहम्मद नबी ने कहा कि ये लीग उनके लिए दुनिया को ये दिखाने का बढ़िया मौका है। इस युद्धग्रस्त देश में भी अपार प्रतिभा है। साथ ही कहा कि पूरे अफगानिस्तान की नज़र मुझ पर और राशिद पर लगी हुई है। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई। बता दें कि फिल्म निर्जा को जहां सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो वहीं फिल्म रुस्तम के लिए अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। फिलहाल हमारे साथ दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CM इंडिया TV। नमस्कार।